अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज कुछ थोड़ी सी एक डिफरेंट सी बात करूंगा। वो ये करूंगा कि मैंने जितना अरसा क्रिकेट खेली या मुझसे पहले भी जितना अरसा लोग क्रिकेट खेलते रहे, आप सबको पता है कि बहुत से लोग बातें करते हैं कि जितने भी हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं, जब वो टीम से बाहर होते हैं, अगर वो कोई भी सीनियर प्लेयर 5, 6 या 8, 10 साल से टीम में खेल रहा है, तो जब उसको ड्रॉप किया जाता है तो लोगों के बड़े सवालात होते हैं कि जो जूनियर है डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करता है वो उसकी जगह पाकिस्तान टीम में नहीं बनती, लेकिन जो सीनियर जब ड्रॉप होता है तो वो एकदम से कैसे फौरन से 1-2 मैचेस खेलने के बाद फौरन से पाकिस्तान टीम में वापस आ जाता है। देखिए, मैंने अपने करियर में जितनी भी क्रिकेट खेली, मैंने हमेशा ये चीज़ें देखी जो कि मैं बड़ा हैरान भी होता था कि जो भी सीनियर लड़का ड्रॉप हुआ, आप सबको पता है कि इतना अरसा खेलने के बाद उनको जो रिलेशन होता है, जो रिलेशनशिप होता है जो अपने अपने से सीनियर प्लेयर्स का के साथ होता है, वो बड़ा अच्छा होता है। होता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर स्पेशली कि जब भी कोई सीनियर लड़का ड्रॉप होता है वो इन लोगों से टच में रहता है। ये सबको पता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे ही होता है। या उसका कोई चीफ सिलेक्टर जान पहचान वाला होगा, या कोई टीम का मैनेजर जान पहचान वाला होगा, या कोई ऐसा ऐसा सीनियर जो 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 जो, जो पीसीबी के अंदर होगा, उनके साथ इनके जो रिलेशन है वो बड़े अच्छे रहते हैं। तो होता ये कि इनके साथ वो बातचीत करके उनकी इनकी जो वापसी वो बड़ी जल्दी हो जाती है टीम के अंदर। ये बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। इन्हीं चीज़ों की वजह से हम एक जो जूनियर प्लेयर है वो हम टीम में नहीं लेके आ सकते, हम टीम में नहीं लाते, हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये चीज़ें तो बहुत अरसे से पाकिस्तान में चल रही हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रही। अब एक चीज़ मैंने नई नई देखी जो मुझे मुझे एक हैरानगी सी हो रही है कि बाहर के जो ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं वो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बात करने लग गए हैं। अब मैं जिस तरह बात करता हूँ केवन पीटरसन की, अभी 1-2 दिन पहले केवन पीटरसन ने एक बात की कि उसका शायद कहने का मकसद ये था कि ये बड़ी स्टूपिड सी एक चीज़ हुई है, उसने स्टूपिड का लफ्ज़ यूज़ किया कि अहमद शहजाद जैसा प्लेयर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ T20 के अंदर। देखिए, अगर ये केवन पीटरसन ने अपनी तरफ से एक बात बोली, अगर वो फील करता है कि अहमद शहजाद को टीम में होना चाहिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बात नहीं, कोई भी किसी के लिए बोल सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान में सिस्टम इतने अरसे से चल रहा है कि हमारे जो टीम, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे जो प्लेयर जब टीम से ड्रॉप होते हैं तो पाकिस्तान के सीनियर्स जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो बड़ी उनकी बैक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, टीवी चैनल्स पे भी आके बड़ी सपोर्ट करते हैं कि उसको होना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो मैंने जिक्र किया कि ये प्लेयर्स के साथ जो अटैचमेंट होती है या बातचीत में रहते, तो ये बड़ी इस वजह से इनको सपोर्ट होती है। अब लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे बोला भी कि ऐसा तो नहीं है कि केवन पीटरसन क्वेटा ग्लेडिएटर से खेले हैं और अहमद शहजाद भी लास्ट ईयर क्वेटा ग्लेडिएटर से खेला है, ऐसा तो नहीं है वो फ्रेंचाइज की वजह से सपोर्ट कर रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि अहमद शहजाद ने केवन पीटरसन से बोला हो ट्वीट करके या मैसेज कर सॉरी ट्वीट कह रहा हूँ मैसेज करके कि तुम मेरे लिए बात करो, ट्वीट करो कि जी अहमद शहजाद को T20 में होना चाहिए, तो ये तो बड़ा स्टूपिड काम किया पाकिस्तान, मतलब उन्होंने सेलेक्टर्स को बात दिया, सेलेक्टर्स को हिट किया ना, स्टूपिड काम किया जी अहमद शहजाद को सेलेक्ट नहीं करके। अब लोग ये चीज़ें सोचते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ें शुरू हो गई हैं तो ये चीज़ सही थोड़ी। आप ओवरसीज प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में बात करेंगे और अगर हमारे प्लेयर्स अटैच हैं उनके साथ, ये बोलेंगे उनको कि जी हमारे लिए अब सपोर्ट करें, जो कि ये चीज़ गलत हो रही है। पीसीबी को इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लास्ट ईयर आप देखें, लास्ट PSL में शेन वॉटसन ने भी उमर अकमल के बारे में बात की, क्योंकि शेन वॉटसन भी क्वेटा ग्लेडिएटर से खेलते हैं और उमर अकमल भी खेले, उन्होंने भी यही बोला
कि फिटनेस लेवल का कोई वो नहीं होता, अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसको टीम में होना चाहिए। इस हक में मैं भी हूँ कि लाजमी नहीं है कि किसी भी लड़के की फिटनेस लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इस टाइम बहुत बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, उनकी फिटनेस लेवल उनको देख के, उनकी फिजिक को देख के लगता नहीं है कि ये यो-यो टेस्ट भी पास कर सकेंगे या फिटनेस टेस्ट भी पास कर सकेंगे, लेकिन वो इस टाइम दुनिया के टॉप प्लेयर्स बने हुए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान का एक माहौल बना हुआ है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सीनियर से बातचीत करवा के, सीनियर्स को कह के वापस आ जाते, उस वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद शेन वॉटसन को भी बोला गया, किसी ने बोला, या शेन वॉटसन क्वेटा ग्लेडियर्स से खेलते हैं तो इस वजह से उन्होंने बात की। तो ये चीज़ें गलत है। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में कि अगर अगर पीटरसन ने अपनी तरफ से बोला भी, तो पीटरसन को कोई कोई हक नहीं है कि हमारे सिलेक्टर्स को ये बोले कि जी, या पीसीबी को ये बोले जी, आप स्टूपिड काम कर रहे हैं जी, अहमद शहजाद को टीम में नहीं है। ये केवन पीटरसन का काम नहीं है। केवन पीटरसन को चाहिए कि मेरे ख्याल में कि आपको इस टाइप का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए था जो कि आपने ये लफ्ज़ यूज़ किया। तो मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनली ये चीज़ मेरे ख्याल में शुरू हो गई है, एक दो दफ़ा तो हो चुका है। अब मुझे लगता है कि जितने भी फ्रेंचाइज के जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी सीनियर्स प्लेयर्स हैं, जो भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं, ऐसा ना शुरू हो जाए कि फ्रेंचाइज के कुछ हमारे जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अगर टीम से बाहर होते हैं या टीम में आना चाहते हैं तो ओवरसीज प्लेयर से कहलवा के कि भाई आप हमारे लिए ट्वीट कर दें या आप हमारे लिए सोशल मीडिया में बात कर दें, शायद आपके बोलने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि सबके दिमाग में यही होता है ना कि अगर ओवरसीज कोई टॉप दुनिया का बड़ा नाम है, अगर वो बात करता है, वो बात करता है तो फिर हमारा नाम आ सकता है। एक मेरा सिर्फ एक सवाल है, केवन पीटरसन ने सिर्फ अहमद शहजाद के लिए क्यों बोला? केवन पीटरसन तो पीएसएल में और फ्रेंचाइज के प्लेयर्स को भी देखा उसने, बोल सकता था। शेन वॉटसन ने उमर अकमल के लिए बोला क्योंकि शेन वॉटसन भी, ये चीज़ें जो थोड़ी सी शको शुबात में जाती हैं कि शायद इन लोगों ने अप्रोच किया है और उनको बोला कि जी आप हमारे लिए बात करें। तो ये चीज़ें अब कंट्रोल में होनी चाहिए, ये ना हो कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए। और केवन पीटरसन ने अगर अहमद शहजाद की बात की भी है तो केवन पीटरसन को ये भी देखना चाहिए कि श्रीलंका की अभी सीरीज हुई थी T20 के, जो उनको मैचेस मिले गए थे, अगर मैं गलत नहीं, उनको तीनों तीनों मैचेस शायद मिले थे, ये दो मैचेस, दो शायद में दो मैचेस मिले थे, उमर अकमल को भी चांस दिया और अहमद शहजाद को भी चांस दिया। लेकिन अगर केवन पीटरसन ने अगर इन दोनों को खेलते हुए अगर देखा हो तो मुझे नहीं लगता कि केवन पीटरसन इनकी बात करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीटरसन ने उनको खेलते हुए देखा है। उन दोनों का दिल ही नहीं कर रहा था खेलने का, उन वो लग ही नहीं रहे थे कि दोनों कमबैक कर रहे हैं जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद अगर पीटरसन ये बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं, अगर उन्होंने इनकी इनिंग्स देखी हैं तो बात करते हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या रीज़न है, वो किस वजह से वो ये बात कर रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।